अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस कार्निवल्स फॉर क्लास टू, और हमारा लेसन है द सीजन्स, मौसम। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रिकॉग्नाइज द मेन सीजन, सीजन्स को रिकॉग्नाइज करना मतलब पहचानना कि कौन सा सीजन है, आइडेंटिफाई द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ वॉर्न ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। मुख्तलिफ मौसमों में जो हम लोग ड्रेसअप होते हैं, कपड़े पहनते हैं, कौन से मौसम में किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पहले है व्हाट आर द डिफरेंट सीज़न। मुख्तलिफ सीज़न जो हैं वो क्या हैं? सबसे पहले है वेदर, मौसम। क्लाउड्स, विंड एंड टेम्परेचर गिव अस क्लूज अबाउट द वेदर। बादल, हवा और टेम्परेचर जो है गिव अस क्लूज, क्लू देता है हमें मौसम के बारे में। विंड इज मूविंग एयर, विंड जो है वो चलती हुई हवा है। विंड एयर एंड कूल, वार्म एयर एंड कूल एयर मूव्स अराउंड द टाइम। हवा गर्म या सर्द हर टाइम हमारे इर्द गिर्द चलती रहती है। वी कांट कैन नॉट सी इट, हम इसको देख नहीं सकते, बट वी कैन फील इट, लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। द एयर में फील हॉट और कोल्ड, हमें हवा गर्म या सर्द महसूस हो सकती है। टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, टेम्परेचर जो है वो पैमाना है, नापने का पैमाना है हॉटनेस एंड कोल्डनेस, गर्मी या सर्दी को। हॉटनेस मतलब गर्मी और कोल्डनेस मतलब ठंडी हवा या सर्दी। वी यूज़ अ थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर एक्यूरेटली, हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। व्हाट आर द टेम्परेचर्स लाइक टुडे, व्हाट इज़ द टेम्परेचर लाइक टुडे, आज क्या टेम्परेचर है, इज़ इट लो, क्या ये लो है मतलब कम है, तो इसके बारे में हम लोग जो हैं वो टेम्परेचर के बारे में जो भी हम लोगों ने पढ़ना होता है, टेम्परेचर मेजर करना होता है, वो हम सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। तो अभी आपका काम जो है करने के लिए, उसमें आपने वेदर की डिफाइन करनी है यहाँ से यहाँ तक, उसके साथ आपने टेम्परेचर की डिफाइन करनी है। टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, बस ये दो डिफाइंस हैं आपका आज का काम। तो आपने इसको लर्न करना है, राइट करना है, इसकी असाइनमेंट बनानी है, और फिर आपने इसको वीकली सबमिट करवाना है। बाकी नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लें, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम जो है वो बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।